नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मैना निर्वाण, एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। राजनीति विज्ञान प्रथम वर्ष की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। राजनीति विज्ञान प्रथम वर्ष में आपका प्रथम पेपर होगा राजनीति विज्ञान के मूल आधार, और इस प्रथम पेपर का प्रथम अध्याय राजनीति विज्ञान की परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति। तो आज हम इसी प्रथम अध्याय के बिंदु राजनीति विज्ञान की परिभाषा पर विचार करेंगे। राजनीति विज्ञान मानव जीवन को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषयों में से एक है, जो व्यक्ति के जीवन को जन्म से पूर्व और मृत्यु के पश्चात तक प्रभावित करता है। वैसे तो राजनीति विज्ञान अन्य समाज विज्ञान के अध्ययन क्षेत्रों के समान ही एक अध्ययन क्षेत्र है, किंतु यह अन्य समाज विज्ञान के अध्ययन क्षेत्रों से इस कारण अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह अन्य समाज विज्ञान के अध्ययन क्षेत्रों से न केवल प्रभावित होता है और उन्हें प्रभावित करता है, बल्कि यह समाज विज्ञान के अन्य अध्ययन क्षेत्रों का नियमन और निर्देशन करता है, यानी अन्य समाज विज्ञान के क्षेत्रों पर यह आधिकारिक सत्ता का प्रयोग करने वाला विषय है। अतः राजनीति विज्ञान का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के लिए नाते राजनीति विज्ञान क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका अध्ययन क्षेत्र क्या है, इसकी प्रकृति क्या है आदि तत्वों को जानना और समझना हमारे लिए आवश्यक है, और आज हम इसी परिभाषा पर विचार करेंगे। तो राजनीति विज्ञान शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में हम बात करें तो राजनीति विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिक्स से, यानी राजनीति विज्ञान अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिक्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और ये पॉलिटिक्स जो शब्द है वह बना है यूनानी शब्द पॉलिस से, और यूनानी भाषा में इस शब्द का अर्थ है नगर राज्य। प्रारंभिक समय में यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, और ये पॉलिस शब्द या ये पॉलिटिक्स शब्द उन्हें नगर राज्यों की शासन व्यवस्था की ओर इंगित करता है, यानी उन्हें नगर राज्यों की शासन व्यवस्था का उल्लेख हमारे सामने प्रस्तुत करता है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा एक अत्यंत ही मुश्किल और कठिन कार्य है, जैसा कि सिजविक ने कहा है कि आज वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में मुख्य शब्दों की शुद्ध, स्पष्ट और सुनिश्चित परिभाषा प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य हो गया है। अतः राजनीति विज्ञान के संदर्भ में ऐसी शुद्ध, स्पष्ट शब्दावली का प्राय अभाव पाया जाता है। इस कारण हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान को कुछ शब्दों में पिरोना अत्यंत मुश्किल कार्य है, यानी कुछ शब्दों में हम राजनीति विज्ञान की परिभाषा नहीं कर सकते। राजनीति विज्ञान की परिभाषा अत्यंत ही मुश्किल है, और इसी कारण गार्डनर ने ये कहा है कि राजनीति विज्ञान की उतनी ही परिभाषाएं हैं जितने इसके लेखकों की संख्या है। जेलिनेक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जिसे अच्छी शब्दावली की इतनी अधिक आवश्यकता हो, क्योंकि राजनीति विज्ञान में एक शब्द को अनेक संदर्भों में प्रयोग किया जाता है, और प्रत्येक विद्वान अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी मान्यता के अनुसार शब्दों का चयन और प्रयोग करते हैं। अतः राजनीति विज्ञान में सर्वग्राह्य और स्पष्ट सुनिश्चित शब्दावली, तकनीकी शब्दावली का प्रायः अभाव पाया जाता है। इस कारण राजनीति विज्ञान की परिभाषा निश्चित करने में एक बड़ी परेशानी हमारे सामने आती है। अध्ययन की दृष्टि से हम देखें तो राजनीति विज्ञान की परिभाषा को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं।
यानी अनेक विद्वानों ने अनेक आयामों से राजनीति विज्ञान की परिभाषा की है, जिन्हें हम दो वर्गों में बांटते हैं। पहला है राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषा और दूसरा है राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषा। राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषा पूर्णतः ऐतिहासिक और संस्थागत है, यानी संस्थाओं को ऐतिहासिक संदर्भ में सामने रखते हुए राजनीति विज्ञान की परिभाषा करने का प्रयास किया गया है। और राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषा को भी हम तीन रूपों में देखते हैं, यानी विद्वानों ने तीन तरह से परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा करने का प्रयास किया है। सबसे पहला जो दृष्टिकोण है वह राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य के रूप में करने वाला दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण को मानने वाले पूर्व और पश्चिम दोनों ही तरह के विद्वान हैं, यानी पूर्व और पश्चिम दोनों तरह के विद्वानों को राजनीति विज्ञान दोनों तरह के विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को राज्य के संदर्भ में परिभाषित करने का प्रयास किया है। और इसमें हम गार्नर की परिभाषा देखें तो गार्नर ने राजनीति विज्ञान की परिभाषा करते हुए कहा है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यानी राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है जो राज्य के साथ प्रारंभ होता है और राज्य पर ही खत्म हो जाता है, ये कहना है गार्नर का। ब्लंटसली ने राजनीति विज्ञान की परिभाषा करते हुए कहा है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो राज्य से संबंधित है और जो राज्य की मूलभूत स्थितियों, उसकी तात्विक प्रकृति, उसके विविध स्वरूपों तथा विकास को समझने तथा ग्रहण करने का प्रयास करता है। यानी ये एक ऐसा विषय है जो ये देखता है कि राजनीति विज्ञान की स्थितियां क्या है, उसकी मूलभूत प्रकृति क्या है, उसके तत्व क्या है, उसका संगठन कैसा हुआ है, और इन्हें समझने और ग्रहण करने का प्रयास करने वाला विषय है, ये कहना है ब्लंटसली का। डॉक्टर आशीर्वादम ने राजनीति विज्ञान की परिभाषा करते हुए कहा है कि राजनीतिक शास्त्र राज्य विषयक ज्ञान की समग्रता एवं राज्य का अध्ययन है। यानी आशीर्वादम ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है जो राज्य का अध्ययन समग्रता के साथ करता है। इसी तरह लॉर्ड एक्टन राजनीति विज्ञान की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य तथा उसके विकास के लिए अनिवार्य दशाओं से संबंधित है, यानी राज्य का विकास कैसे होता है और विकास की क्या क्या दशाएं हैं, राज्य की क्या दशाएं अवस्थाएं होती है, इस संदर्भ में या इस रूप में राजनीति विज्ञान को समझने का प्रयास किया है लॉर्ड एक्टन ने। इसी तरह गेटल ने राजनीति विज्ञान की परिभाषा करते हुए कहा है कि राजनीतिक शास्त्र राज्य का विज्ञान है, यानी राजनीति विज्ञान में हम राज्य के बारे में ही अध्ययन करते हैं। डॉक्टर जकारिया राजनीति विज्ञान की परिभाषा इस रूप में करते हैं, इन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान व्यवस्थित रूप से आधारभूत सिद्धांतों का निरूपण करता है। किसके आधारभूत सिद्धांतों का निरूपण करता है? राज्य के आधारभूत सिद्धांतों का। फिर से देखिए, राजनीति विज्ञान व्यवस्थित रूप से आधारभूत सिद्धांतों का निरूपण करता है जिसके अनुसार समिष्ट रूप से राज्य का संगठन होता है और प्रभु सत्ता का प्रयोग किया जाता है। यानी डॉक्टर जकारिया राजनीति विज्ञान की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि आधारभूत राज्य के आधारभूत सिद्धांतों का निरूपण करने वाला विषय यह है और इसके द्वारा राज्य को समष्ट रूप से समझा और देखा जाता है कि राज्य का समिष्ट संगठन कैसे होता है और प्रभु सत्ता का प्रयोग राज्य कैसे करता है। इसी तरह गेरिस राजनीतिक शास्त्र की राजनीति विज्ञान की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि राजनीतिक शास्त्र में शक्ति की संख्या के रूप में राज्य के समस्त संबंधों, उसके उत्पत्ति, उसके विन्यास में उन्होंने क्या क्या शामिल किया है, भूभाग और राज्य में निवास करने वाले नागरिक या निवासी। फिर से देखें, हम राजनीतिक शास्त्र में शक्ति की संख्या के
रूप में राज्य के समस्त संबंधों, उसकी उत्पत्ति, उसके विन्यास, उसके प्रयोजन, नैतिक महत्व, आर्थिक समस्याओं, उसके अस्तित्व की अवस्थाओं, वित्तीय समस्याओं आदि पर विचार किया जाता है। अब इन सभी परिभाषाओं का जब हम विवेचन या विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि इन सभी विद्वानों ने राज्य को केंद्र में रखते हुए राजनीति विज्ञान की परिभाषा की है। यानी ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है जो राज्य के चारों ओर कार्यरत रहता है या राज्य के चारों ओर की परिस्थितियों का अध्ययन करता है, जिसमें राज्य का संगठन, राज्य की प्रकृति, राज्य का क्षेत्र, राज्य का विकास, राज्य के विन्यास, उसकी अवस्थाएं, उसकी परिस्थितियां आदि सब शामिल होते हैं। यानी राज्य को आधार मानकर ये राजनीति विज्ञान की परिभाषा करते हैं। ये राजनीति विज्ञान की परिभाषा संस्थागत, वर्णनात्मक और ऐतिहासिक संदर्भ में होती है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य का ही अध्ययन है, यानी राज्य के इर्द गिर्द घूमने वाला विषय है। राजनीति विज्ञान एक बृहद विषय है, राज्य भी उसका एक भाग है। राज्य उसका एक महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन राज्य ही राजनीति विज्ञान नहीं है। अतः ये परिभाषा पूर्णतः शुद्ध, पूर्ण, पूर्णनीय, असंगत और अधूरी है। इस परिभाषा की अपनी कुछ कमियां या आलोचनाएं रही हैं, जिन पर हम बात करते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण के इस रूप के कि राज्य ही राजनीति विज्ञान है, इसकी आलोचना हम कई आधारों पर कर सकते हैं। क्योंकि यह जो दृष्टिकोण है, ये मानता है कि राज्य ही संपूर्ण राजनीति विज्ञान है, जबकि राज्य राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन वह संपूर्ण राजनीति विज्ञान नहीं है। राजनीति विज्ञान एक बहुत ही वृहद विषय है और यह जो परिभाषा है वह केवल राज्य को ही राजनीति विज्ञान मानने की भूल कर देता है, जो कि राजनीति विज्ञान का अधूरा अध्ययन होगा। दूसरी इसकी आलोचना हम इस आधार पर कर सकते हैं कि राजनीति विज्ञान को राज्य के संदर्भ में देखने वाला पक्ष राजनीति विज्ञान के केवल संस्थागत पहलू का ही अध्ययन करता है। यह राजनीति विज्ञान के क्रियात्मक पहलू को नकार देता है, उसकी उपेक्षा करता है, जबकि राजनीति विज्ञान संस्थागत और क्रियात्मक दोनों तत्वों को अपने अंदर समेटे हुए है। अतः राज्य के आधार पर ही राजनीति विज्ञान की परिभाषा करने वाला यह दृष्टिकोण अधूरा और गलत है। परंपरागत दृष्टिकोण में एक दूसरा वर्ग भी है जो ये मानता है कि राजनीति विज्ञान मात्र राज्य का अध्ययन नहीं है। राज्य तो एक अमूर्त इकाई है और राज्य को मूर्त रूप देने वाला तत्व है शासन या सरकार। अतः यह वर्ग शासन या सरकार को आधार मानकर राजनीति विज्ञान की परिभाषा करने का प्रयास करता है। इनका कहना है कि राज्य अपने आप में कोई क्रियात्मक तत्व नहीं है और राज्य को मूर्त रूप देने वाला तत्व कौन सा है? सरकार या शासन। राज्य अपने आप को सरकार या शासन के रूप में अभिव्यक्त करता है। इस मत के मानने वाले समर्थक हैं लिकोक और सील। लिकोक ने राजनीति विज्ञान की परिभाषा करते हुए कहा है कि राजनीतिक शास्त्र सरकार से संबंधित विद्या है। यानी लिकोक ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है जो सरकार से संबंधित है, जो सरकार से जुड़े हुए तत्वों का, सरकार की गतिविधियों का अध्ययन करने वाला तत्व है। इसी तरह सीले ने राजनीति विज्ञान की परिभाषा सरकार के संदर्भ में करते हुए ये माना है कि राजनीति विज्ञान राज्य के क्रियाकलापों की शोध ठीक उसी भांति करता है जैसे अर्थशास्त्र संपत्ति की, जीव विज्ञान जीवन की, बीज गणित अंकों की तथा रेखा गणित विस्तार एवं परिमाण की विवेचना करता है। यानी राजनीति विज्ञान वैसे ही सरकार का अध्ययन करता है, यानी राजनीति विज्ञान की प्रकृति सरकार के साथ जुड़ी हुई है और वह वैसे ही एक अध्ययन क्षेत्र है जैसे अन्य
अध्ययन क्षेत्र है, जैसे जीव विज्ञान जीवन का अध्ययन करता है, गणित अंक गणित अंकों का अध्ययन करता है, रेखा गणित विस्तार और परिमाण का अध्ययन करता है, अर्थशास्त्र संपत्ति से जुड़ा है। वैसे इसीलिए का मानना है कि राजनीति विज्ञान ऐसा विषय है जो राज्य से जुड़ा हुआ है और राज्य सॉरी सरकार से जुड़ा हुआ है और सरकार का अध्ययन करता है। अतः ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो सरकार को केंद्र में रखकर राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने का प्रयास करता है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा यह सरकार को केंद्र बिंदु मानकर करती है और ये इनका मानना है कि राजनीति विज्ञान सरकार का ही अध्ययन है। यह दृष्टिकोण भी पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि राजनीति विज्ञान में हम बहुत सारे तत्वों का अध्ययन करते हैं और सरकार मात्र एक पहलू है, राज्य को मूर्त रूप देने वाला एक तत्व सरकार है, लेकिन ना तो सरकार पूरी तरह राज्य है और ना ही वह पूरी तरह राजनीति विज्ञान है। राजनीति विज्ञान राज्य या सरकार से बाहर भी बहुत कुछ है, एक बहुत ही वृहद विषय है। अतः इसकी आलोचना हम इस आधार पर कर सकते हैं कि यह मात्र सरकार को केंद्र मानकर राजनीति विज्ञान की परिभाषा करता है। सरकार राज्य का मूर्त रूप देने वाला तत्व है, वह पूरी तरह राज्य नहीं है और ना ही पूरी राजनीति विज्ञान को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि राज्य के बिना सरकार का अस्तित्व संभव ही नहीं है। सरकार तभी बनती है जब राज्य होता है, तो राज्य के आधार पर पूरे राजनीति विज्ञान को परिभाषित करना गलत है। ये पूरी तरह एकाकी और अपूर्ण परिभाषा है। सरकार राज्य को मूर्त रूप देता है, उसके अनेक क्रियाकलापों को संचालित करता है जिसे हम वास्तविक जीवन में देखते हैं, लेकिन राज्य के केवल क्रियात्मक पहलू ही नहीं होते हैं, राज्य के कई संस्थागत पहलू भी होते हैं जिनकी उपेक्षा सरकार को आधार मानकर की जाने वाली परिभाषाएं करती है। दूसरी इसकी आलोचना हम इस आधार में भी कर सकते हैं कि राज्य सरकार का अध्ययन ही है, राज्य में सैद्धांतिक क्रियात्मक और मानवीय तत्व भी शामिल है। सरकार का अध्ययन करने वाली परिभाषा राज्य के मानवीय तत्वों की और सैद्धांतिक तत्वों की अवहेलना कर देती है, अतः यह पूरी तरह सही परिभाषा नहीं है। तो ये राजनीति विज्ञान की परिभाषा करने के दो आधार हमने आज देखे। पहला आधार सरकार को राज्य को आधार मानकर राजनीति विज्ञान की परिभाषा करने का प्रयास, और दूसरा सरकार को केंद्र में मानकर राजनीति विज्ञान की परिभाषा करने का प्रयास। उम्मीद है आपको ये पहलू राजनीति विज्ञान की परिभाषा का समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करने वाली परिभाषाओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे।